अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज की ये वीडियो होने वाली है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के 11th एंट्रेंस आज हुआ है, उसके मैं आपको आंसर दूंगा यहाँ पर। इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे आपके सामने सवाल आ चुका है, साइंस का पेपर था तो आप देखते रहिए आपने कौन कौन से आंसर सही किए। मैं आपको यहाँ पर 1 से लेकर 35 तक बताऊंगा, देन मैं आपको बताऊंगा 75 से लेकर 100 तक। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, 4 से 5 मिनट के अंदर मैं आपको सारे ही आंसर बता दूंगा। दोस्तों पहले सवाल के बारे में बात करते हैं, ये सवाल आपके सामने यहाँ दिख रहे होंगे, ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन कहाँ टूटता है, ये आपका आज का आंसर है, आपका साइटोप्लाज्म। दोस्तों सही सवाल था वर्ड का पीएच वैल्यू सलाइवा 6.2 to 7.4, कौन सा जो आपका मतलब हार्मोन है जो कि मेजर रोल प्ले करता है वाटर एब्जॉर्प्शन में, इसका आंसर दोस्तों वैसोप्रेसिन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेस हार्ट बाय पल्मोनरी वेन। सो नेक्स्ट है आपका थ्रोम्बोसाइट इज Another name for this is, इसका आंसर है प्लेटलेट्स, which विटामिन हेल्प इन विजन, उसका आंसर है विटामिन ए। नेक्स्ट सवाल था बाय विच नेम इज फैमिली प्लानिंग करेंटली नोन एज, इसका आंसर है दोस्तों फैमिली एंड चाइल्ड केयर। इसमें कौन सा जो है लार्ज इंटेस्टाइनल फंक्शन नहीं होता है, इसका आंसर है दोस्तों एब्जॉर्ब 90% ऑफ न्यूट्रिशन। सो नेक्स्ट सवाल था रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, तो ये CO2/O2। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं ह्यूमन जायगोट के अंदर, तो ये वन मतलब एक पर होता है। विच COVID-19 वैक्सीन इंडिया ने जो है मतलब रूस से इंपोर्ट की थी, उसका आंसर है मतलब Sputnik 5। आदिस अबाबा इज द कैपिटल ऑफ इथोपिया। नेक्स्ट सवाल है कौन से स्टेट ने 370 में अपना स्पेशल स्टेटस लूज कर दिया था, उसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। सो नेक्स्ट सवाल था इसमें से राजीव गांधी खेल 2020 में किसको मिला है, रोहित शर्मा। वेयर इज द नाथुला पास लोकेटेड, उसका सिक्किम है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज द प्लेस ऑफ मिडनाइट सन, उसका आंसर नॉर्वे है। नेक्स्ट सवाल था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करंट सिग्निफिकेंस ऑफ करेक्ट यंग रेवोल्यूशन, उसका आंसर है ऑयल सीड प्रोडक्शन। नेम द बुक रिटन बाय अल-बरूनी, उसको किताब उल हिंद आपको आंसर यहाँ दिख रहे होंगे, सवाल भी आपको दिख रहे होंगे। शाहजहां ने ताजमहल किस लिए बनवाया था, दोस्तों आंसर है अर्जुन मानो। कौन सा पहला गवर्नर ऑफ इंडिया था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। सो इनमें से कौन सा एक कार्बन कंपाउंड नहीं है, तो विटामिन विच इज डीनेचर्ड स्प्रिट, उसका आंसर है मेथनॉल ओनली। इनमें से किसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, तो दोस्तों एल्यूमिनियम। द बाय प्रोडक्ट ऑफ सोप इज दोस्तों ग्लिसरॉल। तो नेक्स्ट सवाल था विच टाइप ऑफ ऑक्साइड वुड एक एल्यूमिनियम फॉर्म, दोस्तों इसका आंसर है E2O3। दोस्तों नेक्स्ट सवाल था व्हाट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, दोस्तों इसका आंसर है NaCO3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड, दोस्तों इसका आंसर सिट्रिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड अगर मतलब जो वाटर है वो स्टीम से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, Fe3O4। स्टेनलेस स्टील किससे बनती है, आयरन प्लस निकल प्लस क्रोमियम। सो नेक्स्ट सवाल है वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड डार्क कलर बॉटल क्यू टू अवॉइड एक्शन बाय सनलाइट। व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इट गैस कंटेंट विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, द मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बायोगैस इज मीथेन। दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन अनचेंज्ड ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, दोस्तों ये आंसर है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। HCl इज एन अर्हेनियस एसिड बिकॉज इट गिव्स H+ आयन इन एक्वो सोल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन एनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसका आंसर है बेकिंग सोडा 1.2438 and 3 into bar. Given to men. So next है 78-80. The word possess mean own. Identify tense with tense बताना है, तो present continuous tense है. इनमें कौन सा दोस्तों marry, आपको save का बताना था, आपको मतलब future perfect tense, तो would have saved, होगा इसका answer. She has decided, ये कौन सा tense है, तो ये present perfect tense है. The whole family have been invited, उसे has been होगा, have been नहीं होगा. फिल इन द ब्लैंक विद द पास्ट परफेक्ट, तो मतलब विक्रम तो डूबा होगा, हैड डन, तो आंसर ही इसका आंसर होगा. सो आई रिट्रेटेड, आई डोंट केयर अबाउट द जॉब, तो इसका आंसर ए होगा. 86 का आंसर ए होगा. 87 द यंग मैन प्रॉमिस्ड, तो इसका आंसर होगा द यंग मैन सेड आई प्रॉमिस टू बी हियर टुमारो, ही एक्सप्लेन दैट ही न्यू द प्लेस वेल बिकॉज़. तो ये कि ये सवाल जो है इसमें आंसर ए और डी सेम है, तो इसमें ए डी
यही आंसर होगा। द ओल्ड लेडी डिक्लेयर्ड, दोस्तों इसका आंसर होगा बी, द ओल्ड लेडी सेड आई एम गोइंग टू वॉक हियर आई प्लीज दे हैव लिबर्टी। सो नेक्स्ट 90, आई वंडर्ड हाउ मेनी डिस्कवरीज वेंट अनहीडेड, इसका आंसर होगा आई सेड हाउ मेनी डिस्कवरीज गो अनहीडेड। दोस्तों नेक्स्ट है विच पंक्चुएशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क कौन सा होता है, तो ये आपका उल्टा आई होता है, इसका आंसर बी होगा। ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इन असर्टिव हाउ गॉर्जियस द सनसेट, इसका आंसर होगा द सनसेट इज वेरी गॉर्जियस। ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू नेगेटिव, ह्यूमन सिंस ह्यूमन इज मॉर्टल देन ह्यूमन इज इमॉर्टल, इसका आंसर। नेक्स्ट दोस्तों है 95, चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो यहां भी देखिए सी और डी सेम ही है तो ये मिस्टेक्स है। दोस्तों यहां आंसर सी और डी एक ही है, इट इज कॉल्ड अफर्मेटिव, दोस्तों ये कौन सा सेंटेंस है, तो ये आपका डिक्लेरेटिव है। ये दोस्तों क्लीन योर रूम, ये कौन सा सेंटेंस है, तो ये आपका इंपैरेटिव, आप किसी को ऑर्डर कर रहे हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन एन, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस जो होता है वो क्या शो करता है, शोज एक्साइटमेंट। दोस्तों ये सवाल 99 जो है ये गलत है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ क्या इस्तेमाल होगा, उससे ये सवाल जो है वो गलत है, ए और एन होगा, तो इसका आंसर ही कुछ और दिया हुआ है इसमें। सो नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू ऑपरेटिव, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तो इसका आंसर होगा हाउ इंटेलिजेंट यू आर। दोस्तों ये मैंने आपको बताए काफी सारे आंसर, आई होप वीडियो पसंद आपको आई होगी, आपने आंसर सारे देख लिए होंगे। आज की इस वीडियो में इतने, मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, उसको खुदा हाफिज़।